एक के बाद एक सामने आ रहे लव जिहाद के कई मामलों के बाद 15 जून को पुरोला में महापंचायत बुलाए जाने के ऐलान के बाद पहाड़ों में माहौल गर्मा गया है। उत्तरकाशी के हिंदू संगठनों ने उत्तरकाशी में 15 जून को एक बड़ी महापंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया है, जिसका मुद्दा होगा उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामले। एक महीने में लव जिहाद के 13 मामले सामने आए हैं, जबकि 5 महीनों में ऐसे 48 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले साल उत्तराखंड में लव जिहाद के 78 मामले थे, लेकिन पुरोला की घटना के बाद अब लोग लव जिहाद के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। पुरोला की घटना में हम लोग देख रहे थे कि जब ये लोग खड़े नहीं हुए तो वहाँ के स्थानीय लोग इस बात पे उनके खिलाफ खड़े हुए हैं कि इतने समय से ये लोग यहाँ व्यापार कर रहे हैं, सारा व्यापार हम लोगों की वजह से होता है। इसी को लेकर उत्तरकाशी के पुरोला में 15 जून को हिंदू संगठनों ने महापंचायत करने का ऐलान कर दिया, जिनका आरोप है कि हमेशा साथ रहने के बावजूद लव जिहाद के मुद्दे पर पुरोला में समुदाय विशेष का रुख उल्टा है। उन्होंने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को और वहाँ के उप जिला अधिकारी के माध्यम से दिया और ये हुआ कि व्यापार मंडल ने सबको आह्वान किया कि सभी लोग, सभी व्यापारी इस घटना के खिलाफ हम लोग ज्ञापन देंगे। फिलहाल उत्तरकाशी जिले के पुरोला में समुदाय विशेष को दुकानें और घर खाली करके जाने के लिए लगाए गए पोस्टर से इलाके में तनाव है। 15 जून को उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों की महापंचायत के ऐलान के बाद अब मुस्लिम समाज ने भी 18 जून को महापंचायत का मोर्चा खोल दिया। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में महापंचायत करने का ऐलान किया, जो पुरोला में होने वाले हिंदू संगठनों की महापंचायत के जवाब में होगी। मुस्लिम समाज की तरफ से बताया जा रहा है कि ये महापंचायत गांधी रोड पर पुराने बस स्टैंड के पास होगी। इस महापंचायत में मुस्लिमों के पलायन और उत्पीड़न के मुद्दे को उठाया जाएगा। इस महापंचायत में देहरादून, विकास नगर, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर के लोग हिस्सा ले पाएंगे, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले, और अलबत्ता ये जरूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो कानून, जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। इसी बीच उत्तराखंड में महापंचायतों के मुद्दे में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं, जिन्होंने हिंदू संगठनों के महापंचायत के आयोजन पर रोक लगाने की मांग कर दी। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 15 जून को होने वाली महापंचायत पर तुरंत रोक लगाई जाए, वहां रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए, वहां से पलायन कर गए लोगों को वापस बुलाने का इंतजाम किया जाए। भाजपा सरकार का काम है कि गुनहगारों को जेल भेजे और जल्द अमन कायम करे। सर्द वादियों वाली उत्तराखंड की राजनीति इस वक्त पूरी तरह से गर्म है। वजह है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बयान। हाथों में तख्तियां लेकर हंगामा कर रहे ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास का घेराव किया। नारेबाजी करते हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमामंडन करने का काम कर रहे हैं, महात्मा गांधी की शहादत को, उनके योगदान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कांग्रेस के विरोध के बीच त्रिवेंद्र रावत अपने बयान पर कायम है। इतना ही नहीं, त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि कांग्रेस खुद ही महात्मा गांधी की हत्यारी है। दर्द वर्द कुछ नहीं उनके पेट में, वो केवल स्वान कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं दर्द का, क्योंकि गांधी के असली हत्यारे अगर कोई हैं तो कांग्रेस है। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने गोडसे को देशभक्त करार दिया। इतना ही नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राहुल गांधी के सरनेम को लेकर भी टिप्पणी की थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।